नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इतने दिनों से बिहार के सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे मास्टर साहब अब भीतर ठिलाने लगे, गिरफ्तार होने लगे हैं और उनको पकड़ने की जो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ तेज कर दी गई है। इससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर गया में फर्जी शिक्षकों की पहचान हुई थी और उनके नौकरी को लेने की अनुशंसा कर दी गई थी, मतलब नौकरी को खत्म करने की, नौकरी से बर्खास्त करने की अनुशंसा कर दी गई थी। लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस बड़ी खबर के मुताबिक अब बिहार में कुछ और फर्जी शिक्षक जिन्होंने फर्जी डिग्री दिखाकर नौकरी ली थी उनको भीतर ठेल दिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कई दर्जन शिक्षक अभी भी रडार पर हैं। देखिए, फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी जो है शुरू हो चुकी है बिहार में। अब ये जो खबर है वो बांका से है जहां पर दो शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है, इसके साथ ही कई शिक्षक अभी भी रडार पर हैं। अमरपुर में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया जबकि बौसी के एक स्कूल की शिक्षिका को पुलिस ने फर्जीवाड़े से ली गई नौकरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी गिरफ्तारी का सिलसिला थमने वाला नहीं है। 3 दर्जन से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो कि अभी भी रडार पर हैं और जिन्होंने फर्जी डिग्री दिखाकर नौकरी की और उन्होंने सरकार का पैसा लिया, अभी तक ये नौकरी करते आ रहे थे। सोचिए, जिनकी डिग्री फर्जी थी उनका क्या हश्र होगा और वो किस प्रकार स्कूलों में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे होंगे। शिक्षा की गुणवत्ता पर जब सवाल आता है तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई जरूरी हो जाती है और वही अब बिहार में हो भी रहा है। अमरपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के सादपुर पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटहाराम से एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिक्षक भागलपुर जिला के सनोखर थाना क्षेत्र के एक चारी भाया सनोखर निवासी मधुकर कुमार राणा बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार द्वारा नियोजित शिक्षकों की जांच कराई गई और उसके बाद जांच के दौरान शिक्षक मधुकर राणा के दस्तावेज जाली पाए गए हैं। अब देखिए, शिक्षक जो है उनके द्वारा शिक्षक नियमावली में दिए बीएड के अंक पत्र को सत्यापन के लिए जब जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भेजा गया तो जहां से अंक पत्र फर्जी बताया गया। शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए 2015 से ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटहारा में पदस्थापित रहकर प्रतिमाह अपना वेतन प्राप्त कर रहा था। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इस शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। देखिए, उस दूसरी बार और दूसरी तरफ जो क्या है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनियारपुर में कार्यरत फर्जी शिक्षिका को भी गिरफ्तार किया गया है। बंधुआ कुरावा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनियारपुर से पुलिस ने एक फर्जी शिक्षिका सुप्रिया सिंह को गिरफ्तार किया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। देखिए, इसके अलावा क्या मामला निकलकर सामने आया है वो भी बताते हैं। शिक्षिका मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड के फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी ले चुकी थी। सुप्रिया 2015 से यहां हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी और जो खबर है उसके मुताबिक अकेले बांका जिले में फर्जी प्रमाण पत्र पर 39 शिक्षक शिक्षिका कार्य कर रहे थे। इनमें कई शिक्षकों पर केस दर्ज किया जा चुका है और सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी भी 3 दर्जन से अधिक जो है शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो फर्जी डिग्री लेकर के सेवा दे रहे थे, वो पुलिस की रडार पर हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बिहार में अब जो है एक तरफ नई शिक्षा नीति का विरोध चल रहा है तो दूसरी तरफ विभाग अपने एक्शन में है और ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने फर्जी डिग्री पर अपनी नौकरी तो पा ली, अब तक मजे भी कर रहे थे, अभी तक सरकार का पैसा भी उठा रहे थे, लेकिन अब जो है फंसते नजर आ रहे हैं और अब जो है ताबड़तोड़ छाप कार्रवाई की जा रही है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, भीतर ठेले जा रहे हैं। और ऐसे जितने भी फर्जी शिक्षक हैं उन्होंने भी अब आगाह होना शुरू कर दिया होगा क्योंकि शिक्षकों में, ऐसे शिक्षक में हड़कंप मचा हुआ है इस मामले को लेकर के, इस कार्रवाई को लेकर के। और वैसे जितने भी शिक्षक हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं, फर्जी डिग्री लेकर जिन्होंने नौकरी की, अब उनकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही साथ वो फंसेंगे भी, लंबा जाएंगे भी और हो सकता है कि अब उन पर काफी सारा जुर्माना भी ठोक दिया जाए। जितने पैसे उन्होंने सरकार से लिए हैं उन पैसों को वापस भी करना हो सकता है। तो अब क्या होगा इस मामले में, कार्रवाई लगातार जारी है। बिहार में अभी और ऐसे कितने शिक्षक हैं जो कि फर्जीवाड़ा कर नौकरी तो पा चुके थे लेकिन अब अभी भी सेवा दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक? बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।